भागलपुर के नवगछिया में पर्यावरण नियंत्रण को लेकर वन विभाग कृत संकल्प है। यह बात भागलपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जगतपुर झील के समीप अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ पौधारोपण के उपरांत कही। इस मौके पर वन पर्यावरण पदाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा मिशन 5 करोड़ पौधारोपण को लेकर नवगछिया से लेकर भागलपुर के ग्रामीण इलाकों में पौधा लगाने की योजना है। इसी के तहत भागलपुर के जिला उप विकास आयुक्त सुशील कुमार, मनरेगा के DPO विकास कुमार सहित गंगापुर, हरी आदि स्थानों के लोगों के द्वारा पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि बिहार का सबसे अधिक प्रवासी पक्षी मिलने वाला जगतपुर झील प्रमुख है, इसलिए जगतपुर झील को बिहार के नक्शे पर लाने को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर 1 से 1.5 हज़ार पौधारोपण होने के साथ साथ यहाँ की सड़कों का विकास मनरेगा के तहत किया जाएगा। इसके लिए खुद जिला उप विकास आयुक्त ने कही है। इस अवसर पर नवगछिया फॉरेस्ट रेंजर, वनपाल आदि लोग उपस्थित थे। बीटीन्यूज बिहार के लिए भागलपुर के नवगछिया से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। जगतपुर जिले में आप वृक्षारोपण किए, यहाँ के बारे में क्या सुंदरीकरण किस तरह से यहाँ रख रखा होगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दिया जाए। देखिए, आज एक्चुअली मिशन 5 करोड़ जो बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चला रहा है उसका यहाँ पे शुरुआत हुआ है भागलपुर में। तो उसके लिए हमने जगतपुर लेक का चयन किया क्योंकि ये ना कि ह्यूमंस के लिए बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज यहाँ पे बहुत सारे फाइकस स्पीशीज स्पेशली जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, पाकड़, गुलड़ और जो पानी में रह सकते हैं जैसे अर्जुन, जामुन, ये सब पेड़ भी हम जरहुल ये सब पेड़ भी लगा रहे हैं। तो जगतपुर लेक में एज़ पर ई बर्ड डेटा सबसे ज़्यादा चिड़िया पाए गए हैं बिहार में। तो मेरी माने तो ये बिहार का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है, तो इसको डेवलप करने की हमें बहुत आवश्यकता है। हालांकि अभी बर्ड सेंचुरी नहीं घोषित हुआ है, बट फिर भी हमने जो है बर्ड्स बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और भागलपुर फॉरेस्ट डिवीज़न की तरफ से यहाँ साइनेजेस और काम शुरू कर दिया है। साइनेजेस लग गए हैं, अभी प्लांटेशन हो रहा है। आगे जाके अभी DDC आए थे, DPO आए थे और BDO भी आए थे प्लांटेशन एक्टिविटी में। तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट कराया गया कि यहाँ के रोड के बारे में कुछ किया जाए, तो DDC साहब ने भी बोला था कि रोड का यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्या है, वो सब स्टडी करेंगे। तो हाँ, तो बेसिकली दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ मिशन 5 करोड़। आज से हम मिशन 5 करोड़ का बिगिनिंग कर रहे हैं। काफ़ी जगह से हम जो पौधा उगाए हैं, किसान नर्सरी से, जीविका नर्सरी से, इवन डिपार्टमेंटल नर्सरी से, उन सबको अभी लगाने का टाइम आ गया है। तो अगस्त तक जो है ये प्लांटेशन ड्राइव जारी रहेगा। यहाँ पर कितने पौधे लगाए जाएंगे? यहाँ पे 500 से 1000 पौधे लगाए जाएंगे। उसकी रख रखाव, उसकी सुरक्षा के लिए किस तरह से यहाँ पे? हम यहीं से कैटल गार्ड को अपॉइंट करेंगे जो कि गांव से होंगे, एंड पौधों का देखभाल का जिम्मेदारी उन्हीं कैटल गार्ड के ऊपर होगा। तो हम लोकल से ही कैटल गार्ड को रखना चाहते हैं ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और लोग, क्योंकि लोकल्स हैं वो अपने पौधे हैं तो अच्छे से देखेंगे, एंड अगर पौधों का क्षति हुआ तो हम को ही तो रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। इतनी सारी बर्ड है, उसके लिए किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा, बर्ड को मारा जाता है उसके लिए देखभाल के लिए किस तरह से? तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है वो इन मामलों में बहुत सतर्क रहता है। हमारा नेटवर्क भी अच्छा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं, सब साथ में काम करते हैं। तो जब जब जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तुरंत शेयर हो जाता है एंड एक्शन भी तुरंत होता है। सर, आपका मैसेज क्या रहेगा आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैसेज यही है कि हम बहुत मुश्किल समय में रह रहे हैं अभी। आप कोरोना को भी ले लीजिए, आप ग्राउंड वाटर सिचुएशन को ले लीजिए, फ्लड को ले लीजिए, हर जगह, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लड हो रहे हैं, कहीं पे अर्थक्वेक होते हैं, एंड साथ में अभी कोरोना भी है। तो ऐसे टाइम में भी हमको एनवायरनमेंट पे मुझे लगता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना शुरू हुआ है वो वाइल्ड लाइफ को हानि पहुंचाने से शुरू हुआ है। किसी ने जो इंडियन पैंगोलिन को मारा है, किसी ने बैट को जो मारा है, उन सबके मिश्रण से एक वायरस तैयार होकर हमारे यहाँ आया है वुहान मार्केट से, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ को हानि पहुँचाने की वजह से ही आज हम 1-2 साल से कोरोना के साथ खेल रहे हैं। तो अगर ये खेल हमको नहीं खेलना है तो हमें वाइल्ड लाइफ से खेलना पहले बंद करना होगा। तो वही मेरा मैसेज है, ठीक है। मैसेज यही है कि हम बहुत मुश्किल समय में रह रहे हैं अभी।
आप कोरोना को भी ले लीजिए, आप ग्राउंड वाटर सिचुएशन को ले लीजिए, फ्लड को ले लीजिए, हर जगह, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लड हो रहे हैं, कहीं पे अर्थक्वेक होते हैं, एंड साथ में अभी कोरोना भी है। तो ऐसे टाइम में भी हमको एनवायरनमेंट पे मुझे लगता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना शुरू हुआ है वो वाइल्ड लाइफ को हानि पहुँचाने से शुरू हुआ है। किसी ने जो इंडियन पैंगोलिन को मारा है, किसी ने बैट को जो मारा है, उन सबके मिश्रण से एक वायरस तैयार होकर हमारे यहाँ आया है वुहान मार्केट से, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ को हानि पहुँचाने की वजह से ही आज हम एक दो साल से कोरोना के साथ खेल रहे हैं। तो अगर ये खेल हमको नहीं खेलना है तो हमें वाइल्ड लाइफ से खेलना पहले बंद